तो अभी भी मैं इंस्टाग्राम पे लाइव गया था भट्टू पा के साथ, फोकस नहीं करता ये कैमरा कमबख्त, भट्टू पा। तो भट्टू पा मतलब भारतीय टूरिंग पार्टी, यूट्यूब पे बहुत अच्छा चैनल है, सो प्लीज़ गो एंड वॉच। एंड बहुत अच्छा सेशन था, अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं करते तो यू मिस्ड इट यार। और ये देखो जुगाड़, अपने पास मोबाइल का होल्डर था नहीं तो अपन ने ऐसा जुगाड़ किया है, जुगाड़ू वॉन्डर सीन। Inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. तो आजकल का यहाँ का तापमान होता है 45-46 डिग्रीज दोपहर को, और इसकी वजह से डैशबोर्ड पे बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है, तो उसको थोड़ा बचाने के लिए मैंने ये कपड़ा बांध दिया था कुछ दिन पहले, जुगाड़ू वॉन्डर सीन। हेलो गाइस, स्वागत है सबका मेरे चैनल पे, मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त अभिषेक। बहुत ज़्यादा कड़क धूप है, चटके बैठ रहे लिटरली राइट नाउ इट इज़ आई थिंक अराउंड 9:30 हुआ है और अभी से इतनी धूप है। दैट्स द रीज़न मैं अभी सुबह सुबह निकल रहा हूँ अपने घर की तरफ। वैसे गाड़ी गंदी तो नहीं है, ठीक है चलेगा। अच्छा ब्रेकफास्ट वाली आ गई है, ब्रेकफास्ट रेडी है, चलो अभी 10-15 दिन अलग रहना पड़ेगा अभी तेरे को। अरे रो मत। अच्छा 15 के अभी 10 हो गए, वाह वाह, अभी से इफेक्ट चालू हो गया, अभी 10 के 7 हो जाएंगे, देखना 10 के 7 हो जाएंगे, फिर थोड़ी देर बोली के काम करती मैं भी साथ में आती, ये ज़्यादा। सो जाने का वक्त आ चुका है, बाय बाय मैडम, कम सून, आते हैं। नाक में पानी आ रहा है क्या? अरे बाप रे, चलो ठीक है, चलो बाय, फोन करता हूँ मैं। हाँ ये रही सासुमा। अभी ये भी घर जैसा ही है ना, तो थोड़ा घर वाली फीलिंग आ गई, काफी दिन मैं यहाँ पे रहा तो होता है। चलो अच्छा लग रहा है, रोड पे अभी जल्दी हिट करेंगे और निकल लेंगे। 40 डिग्रीज राइट नाउ और टाइम हो चुका है 10:11, तो आई थिंक अराउंड मैक्सिमम 12:30 तक मैं पहुंच जाना चाहिए, उसके पहले मैं पहुंच जाऊंगा आई थिंक, देखते हैं चलो। सो हाईवे लग चुका है और आपका संवाददाता हाईवे काफी खाली है, ज्यादा गाड़ियां है नहीं, और थोड़े ही समय में छोटा हाईवे चालू हो जाएगा, कोला इज 97 किलोमीटर। काफी टाइम बाद अकेले कार पे यू नो काइंड ऑफ राइड कर रहा हूँ, लॉन्ग राइड, तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है, बट ठीक है यार, अभी क्या करेंगे। ऑलराइट, वेलकम टू द सिंगल रोड। अरे रे रे, ये चिकन, ओह माय गॉड, क्या रोड है बॉस। तो काफी बसेस भी चालू हो गई है और यहाँ पे ओवरटेक का सिलसिला जारी है, डर लगता है यहाँ पे ओवरटेक करने के लिए। ओके, उसके पीछे अपनी लाल डब्बा भी है, काफी ट्रांसपोर्टेशन चालू हो चुका है, जो एक अच्छी बात है, एटलीस्ट पीपल आर गेटिंग टू मूव जहाँ उनको जाना है। तो अभी काफी ट्रक्स में लोग दिख नहीं रहे, आई थिंक इसका एक रीजन है कि अभी बसेस और ट्रेन्स चालू हो गए तो पीपल आर ट्रैवलिंग थ्रू दैट रूट, तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि जो ट्रक्स है उसमें भर भर के लोग, मुझे आज लिटरली एक भी ट्रक नहीं दिखा अब तक, गुड अच्छी बात है। टेम्परेचर तो 43 जाएगा 45, अकोला तो 46-47 तक भी जाता है, और एंजॉयिंग द हाईवे, खाली हाईवे है। अच्छा एसटी बाहर निकलती है, देखती है कोई है क्या, वापस अंदर जाती है, बट गुड टू सी एसटी बैक। अरे बाप रे, लाइन से सी। तो अभी एक पुलिस चेक पोस्ट गया जहाँ पे लास्ट टाइम जब हम अमरावती गए थे तो चेकिंग हुई थी, पर अभी तो चेकिंग नहीं हुई, प्रॉब्लम बिकॉज अभी ट्रांसपोर्ट थोड़ा सा चालू हो गया है,
लॉट ऑफ व्हीकल्स आर ऑन द हाईवे, बसेस वसेस भी है, वो टाइम पे बसेस भी नहीं थी मे बी उसकी वजह से, बट कोई दिक्कत नहीं, अपने पास पास तो है। आप लोग को अच्छा है ना, अभी आप लोग को ट्रैवलिंग मिलता नहीं होगा तो अपने वीडियोस के थ्रू थोड़ा ट्रैवलिंग का एक एसेंस तो आ जाता है ना, और अच्छा लगता है कि नहीं, सही में बताओ अच्छा लगता है कि नहीं, कमेंट करके बताओ। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब मैं मेरे जो भी यूट्यूबर्स में देखता हूँ उनको अभी ऐसे वक्त में बाहर जाते, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुंबई देखने को मिलती है जो मुंबई के है, ओनली रीजन बिकॉज मैं वो वहाँ जा नहीं सकता, तो वो देख के मैं मन भर लेता हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है, सो आई कैन रिलेट। अभी ओवरटेक करने के लिए मैं रुका हुआ हूँ, निकलूँ क्या? निकलो निकलो, चलो कोई नहीं है। ये देखो कितना आवाज आ रहा है। वेल दैट इज बिकॉज बहुत ज्यादा गर्मी है, 45 डिग्री सेल्सियस। थोड़ा सुसु ब्रेक के लिए रुका हूं, चलो। अंदर आके बहुत रिलीफ हो जाती है। फ्यू। तो अभी ये एंगल ट्राई करेंगे, ये थोड़ा सक्शन जो माउंट है ना, ये थोड़ा थोड़ी देर में नीचे गिर जाता है, तो मेरा 2-3 बार कैमरा गिर गया, लेकिन इसके नीचे सीट है तो शायद से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी सेफ साइड। अच्छा एंगल है ना, ये सब करना पड़ता है व्लॉगिंग में, रुक रुक के जाना पड़ता है ताकि आप लोग को कंटेंट जो है वो एंटरटेनिंग मिले, देखने लायक मिले। अरे नील पत्थरों से मेरी दोस्ती है, चाल क्या है मेरी राह जानती है, चाहे रोजाना। मुंबई कोलकाता हाईवे से सीधा प्रसारण, आपका होस्ट आपका दोस्त वॉन्डर सिंह। सफर में खाली खाली लग रहा है बिकॉज मिसेज वॉन्डर सिंह नहीं है, बट ठीक है, ऐसे भी दिन आते हैं जब यू हैव टू बी ऑन योर ओन, पहले तो ऐसे ही था ना। राइट ना, हम है मूर्तिजापुर में, और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो, जो मुझे मुझे पता है कि आप करते हो, पर अगर नहीं करते तो करना चाहिए। खैर, तो मूर्तिजापुर से हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स ने एक बहुत ही नेक काम किया, जो हाईवे पे माइग्रेंट्स जो ट्रक भर भर के जा रहे थे उन लोग के लिए खाने का इंतजाम किया, शेल्टर का आराम करने का इंतजाम किया, जो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड जॉब गाइज, थम्स अप। काटेपूर्णा नदी, ये जो नदी है इसे हम माँ मानते हैं, माँ क्यों? क्योंकि ये नदी से मेरे बहुत सारी यादें जुड़ी है, ये नदी से, ये पॉइंट से नहीं, ये नदी से। कभी वक्त मिला तो शेयर करेंगे। सो ऑलमोस्ट अकोला पहुंचने वाले हैं, कुछ 15 किलोमीटर बाकी है, और एक जगह आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। तो ये जो ढाबा है राजहंस ढाबा, और ये रहा एक मैडम ढाबा। अकोला इंजीनियरिंग कॉलेज जो है, इसको हम बिट्स अकोला बोलते हैं, बाबड़गांव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अकोला। सो ये एक इंजीनियरिंग कॉलेज है अकोला का, काफी पुराना है। बस ये कॉलेज के बाजू में ही ये दोनों ढाबे हैं, और जब भी हमारा मन करता था, जब मैं यू नो इंजीनियरिंग के टाइम पे पीएल के टाइम पे यहाँ पे आता था, वेकेशन के टाइम पे अकोला आता था या उसके पहले, तो जब भी मन करता था ढाबे का खाना खाना है, तो हम लोग 4-5 दोस्त लोग हम लोग यहाँ आ जाते थे, मस्त एकदम ढाबे का खाना खाते थे, मजा आ जाता था। अगर ये लॉकडाउन नहीं होता ना तो डेफिनेटली मैं आपको वहां पे लेके जाता, लेकिन अफसोस। गड्डी अकोला पहुंच चुकी है, ये रहा थिएटर यहाँ पे, चलो मिलता हूँ सीधा घर पे अभी। ओके, सो वक्त आ गया है वीडियो एंड करने का, ये वीडियो यहीं पे एंड कर देंगे। आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, मुझे बताने की ज़रूरत तो नहीं है, बट बार बार बोलता हूँ कि लाइक किए बना मत जाना, या तो डिसलाइक करो बट कुछ तो करके जाओ, बिकॉज उससे चैनल के रेटिंग पे फर्क पड़ता है। और डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू आर न्यू, एंड डू कॉमेंट डाउन बिलो इफ यू हैव एनीथिंग। आप कहीं जा रहे हो क्या बताओ मुझे, मतलब मैं तो थोड़ा बहुत ट्रैवल कर पा रहा हूँ पास निकाल के, बट आप लोग अगर जा रहे हो तो वो बताओ, ताकि मुझे पता चले कि कहाँ कहाँ लोग जा सकते हैं। सेकेंडली है ना, मेरे को एक मोबाइल का होल्डर चाहिए कार के लिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कौन सा लूँ। यहाँ पे एक्चुअली वो जो एसी के वेंट पे लगाते हैं वो मुझे लेना नहीं है, बिकॉज मुझे डर लगता है वो गिर जाएगा गड्ढा आने के बाद, और बाकी तो सक्शन वाला लेना पड़ेगा या तो फिर कुछ और लेना पड़ेगा, कुछ तो लेना पड़ेगा। नाउ आई एम नॉट रियली श्योर, और बहुत सारा कन्फ्यूजन है यार, मैं
ऑनलाइन देख रहा हूँ अमेजोन पे सक्शन वाले बहुत सारे हैं, बट पता नहीं वो सक्शन वाला मुझे थोड़ा सा, वो गोप्रो मेरा सक्शन का ही है, वो गोप्रो गिर जाता है तो सक्शन वाला फोन गिर ना जाए। आप लोग के पास अगर कोई रिकमेंडेशन है अच्छा मोबाइल होल्डर थोड़ा अच्छा क्वालिटी का तो बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। वो मैग्नेट वाला भी होता है बट प्रॉब्लम ये है ना कि मेरे फ़ोन का जो केस है ये बहुत ही ज़्यादा थिक केस है और आई थिंक वो होल्ड नहीं करेगा बिकॉज ये शील्ड केस है, मिलिट्री ग्रेड केस है तो इस पर नहीं टिकेगा। सो या डू लेट मी नो। As long as the world is turning, I'll be